बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इयाका नअबुदु वइयाका नस्तईन। इंस्ट्रूमेंट ओब्स एंड गाइनीज़ के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं ऑस्पी के अंदर, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट थी कि इंस्ट्रूमेंट की वीडियोस रह गई हैं और जो ओस्पी के कुछ पास पेपर के स्टेशन अब हो रहे हैं। मैंने कहा चले यार अभी आलमोस्ट रात के 12 बजने वाले हैं और मैं जस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। सिम्स स्पेकुलम का नाम शायद आपने सुना हो, ठीक है। सिम्स एक है जी, मेडिकल कॉलेज है, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इधर लाहौर में है, जेल रोड के ऊपर। तो वहीं से उस कॉलेज से मैंने इसको याद किया हुआ था कि ये सिम्स है, ये एस का कहीं ना कहीं ये बनता ही है ना, ठीक है। तो मैंने वहीं से याद किया होता है। ये यूज़ किस लिए होता है, हमने जब पैप स्मेयर लेना होता है, इंसर्शन या रिमूवल ऑफ कॉपर टी जो कम्बाइन इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव है, या कॉल्पोस्कोपी आपने देखा वो माइक्रोस्कोप की तरह लगा के वजाइना के अंदर वो एक फीमेल जा रही होती है आगे आगे गिरेग्राम, हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी HSG के लिए हमने इसको यूज़ करना है। बड़े मुफीद काम, मतलब आपने इसको वजाइना की पोस्टीरियर वाल के ऊपर लगाना होता है, ठीक है। यूज़ सर्वेक्स बायोप्सी वजाइनल हिस्टेक्टमी रिपेयर है, यूज़ इन ऑब्स्टेट टाइटनिंग ऑफ द सर्वाइकल सरप्लेज और वो सारे का सारा। अच्छा ये देखो, इसका ये है डक की तरह का मुँह, इसको हम कहते हैं क्यूस्कस स्पेक्युलम, ठीक है। ये यहाँ से लॉक हो जाता है जब एक दफ़ा खुल जाए, यहाँ से फिर हम इसको पेज को टाइट कर देते हैं, ये लॉक हो जाता है, फिर ये आगे पीछे नहीं होता, ठीक है। तो एग्जामिनेशन अब जाना सर्वेक्स हो गया, ठीक है, और टू टेक सर्वाइकल स्मेयर, टू इंसर्ट और रिमूव इंटर यूटराइन डिवाइसेस, टू टेक वजाइनल एंड सर्वाइकल स्वैब, टू अलाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द यूटराइन साउंड हो गया। फिर हमारे पास हमने डायग्नोज करना है वजाइनल डिस्चार्ज और वो बाकी आप बातें खुद लिख लेना। ये है जी यूट्राइन साउंड, इसका मकसद क्या है, हमने क्योंकि अगर छोटी कद की फीमेल है तो उसका यूट्राइन कैविटी कम होगी, बड़े कद की फीमेल है ज़्यादा होगी, तो यूट्राइन कैविटी की लेंथ मापने के लिए, पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस देखने के लिए यहाँ से हम सारे का सारा इससे हेल्प से मदद लेते हैं, ठीक है। अब इसकी कम्प्लिकेशन क्या है, अगर एक वोमेन को लगाई है ये और अच्छे से स्टीराइज नहीं की हुई, ये दूसरी वुमन को लगाने से सेंडिंग इन्फेक्शन, अगर ये अनएक्सपीरियंस पर्सन है बच्ची के अंदर आपने लगा दी तो परफोरेशन हो सकती है यूट्रस की, या अबॉर्शन भी इवन हो सकता है। अच्छा ये देखो, ये पर तो आम आपने देखा होगा, ये यूट्राइन क्यूरेट है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, जितना भी एब्डोमिनल वजाइनल ब्लीडिंग है ना, एंडोमेट्रियल सैंपल लेने के लिए इवैक्यूएशन, अगर अबॉर्शन का कोई पार्ट रह गया तो अमूमन आपने देखा इस तरह का क्यूरेट लेके वो खींच रही होती हैं फीमेल, टू रिमूव द रिटेन प्रोडक्ट जो भी हमारे पास। कॉम्प्लिकेशन क्या है, परमानेंट एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी हो सकती है, एशरमैन सिंड्रोम होता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, या फिर हमारे पास सर्वाइकल ट्रोमा हो सकता है। अच्छा ये देखो, ये है जी हैगर्स यूट्राइन डाइलेटर, इससे हम यूट्रस को जो है ना वो डाइलेट करते हैं, ठीक है। इंडिकेशन अवेलेबल टेकिंग सर्वाइकल बायोप्सी हिस्टेरोस्कोपी डायग्नोज द सर्वाइकल इंपोर्टेंस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, सर्वाइकल ट्रोमा में लीड टू सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो गया, ठीक है। उसके अलावा ब्लीडिंग ड्यू टू सर्वाइकल लैसरेशन। यह है जी रूबिन्स कैनुला, हमने अगर कोई डाई इंसर्ट करनी जिसका हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी के अंदर मतलब हमने देखना है कि कौन सी ट्यूब जो है ना राइट वाली लेफ्ट वाली ब्लॉक है, तो उसके अंदर हमने एशरमैन में क्या होता है अडहीजन हो जाती यूट्राइन की, तो वो हमने सारे के सारे देखने के लिए। तो ये क्या है, फीटल स्टेथोस्कोप है, इसको जो है ना हम स्कल्टेट करते हैं फीटल के हार्ट साउंड के लिए, ठीक है। ये है जी एल्स स्पैचुला, इसका काम बड़ा यूनिक है, पैप स्मेयर के लिए हमने जो है इसको यूज़ करना होता है। यूज़ अगर आपने देखना है तो फिर आप वीडियो देखने वरना नाम का लिखा भी है। अच्छा ये है ग्रीन एरमेटेज फोरसेप, ये इतना नहीं आता, मैंने नहीं कभी किसी ओसवी के अंदर इसका देखा नाम, ठीक है। फोरसेप यूज टू यूज एज ए होमोस्टेट इन सिजेरियन सेक्शन, टिप ऑफ द वाइड बॉडी, ये कैन बी कंप्रेस्ड हो गया, वो बाकी बातें। अच्छा ये है जी फोरसेप हमारे पास वर्ल्ड सीलम फोरसेप, ठीक है, जिसके आगे ये दांत जो है ना आगे वी की तरह बने हुए, तो वी से वाल सीलम आपने याद करना है, ठीक है। ये शायद किसी साइंटिस्ट करना, टू होल्ड द इंटीरियर लिप ऑफ द सर्वेक्स, पोस्टीरियर लिप ऑफ द सर्वेक्स, सारी फीमेल अपनी सर्वेक्स की लिप को फील करो। सर्वाइकल स्टम सब टोटल कॉम्प्लिकेशन किया, लेसरेशन हो सकती है और ब्लीडिंग वहाँ से हो सकती है। अच्छा इसकी देखो बिल्कुल जिस तरह वो परिंदे चूँच नहीं मिला रहे होते, टेनेंकुलम स्पेक जो है ना फोरसेप आपके पास ये है, यूज टू होल्ड द सर्वेक्स ड्यूरिंग द मेजर गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी के लिए। ये तो रिट्रैक्टर आपने देखा होगा कि ये जो अमूमन पीजीज जो है ना वो
पकड़ा के उनको बेड में सर्जरी कर रही है। तो ये रिट्रैक्टर होता है, डॉइंस रिट्रैक्टर हो गया, ठीक है। रिट्रैक्ट करना हमारे पास ब्लैडर का ड्यूरिंग एब्डोमिनल ऑपरेशन हो गया, और इसके अलावा समूथ है जो कर्वेचर रिट्रैक्ट करना। ये क्या है, ये स्क्रू की तरह आपको लग रहा है ना, यहाँ से जिस तरह वो पेच होता है, मायोमा स्क्रू इसे हम कहते हैं। मायोमेक्टोमी में और हिस्टेक्टोमी में आपने देखा होगा, जब आप हिस्टेक्टोमी करें तो इसको पहले ये ना यहाँ से डाल के इसको गोल 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 घुमाते हैं, तो वो जो यूटरस होता है वो पकड़ी जाती है, फाइब्रॉइड जो भी होता है पकड़ा जाता है। ये क्या, ये आपने थ्री इडियट मूवी के अंदर देखा होगा, वेंटोस सक्शन कप है, ठीक है। यहाँ से प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, ये फीटल के हेड के ऊपर हम लगाते हैं, ठीक है। तो मेटरनल एग्जास्ट अगर हो जाए सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, मतलब जोर लगा लगा के थक गया, तो फिर हम ये करते हैं, ठीक है। फीटल डिस्ट्रेस इन दी सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर, मेटरनल इलनेस हो गया, बाकी कंट्राइंडिकेशन क्या करनी है, अगर तो फीटल की 35 वीक गेस्टेशन के अभी नहीं हुए तो फिर हम इसमें याद करें, या फिर हमारे पास फेस और ब्रीज प्रेजेंटेशन के अंदर हम। अच्छा ये देखो, आपने ये डिलीवरी फोर्स है या आओ आउटसाइड जाना यूट्राइन फोर्स है, हमें इसको हम कहते हैं, हेड यहाँ पे फंसा के और फीटस को बाहर खींचा जाता है, ठीक है। इसकी टाइप क्या है, नॉन रोटेशनल है, रोटेशनल है, आपके पास कौन सा डिपेंड करता है। इसकी ये हैंडल है, फिंगर है, लॉक है, ठीक है, और सारी की सारी है, ठीक। फिर हमारे पास आता है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एपिजियोस्टमी सीजर। इससे हम काटते हैं जो अगर वजाइना तंग हो, ठीक है, तो हम यहाँ से काट के, ये मिड लाइन भी होता है और ये फिर जे शेप्ड भी होता है, ठीक है। वीडियो लेटरल भी, जो स्पंज होल्डिंग फोर्स है हमारे पास ये हो गया, ये एलिस फोर्स है आपके पास नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये यूज टू होल्ड द टफ स्ट्रक्चर्स लाइक रेक्टस शीथ ऑफ द फेशिया, होल्ड द पेरिनियम इन द सी सेक्शन टू रिमूव द सर्वाइकल पैक, दैट्स ऑल अबाउट। अगर कोई इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ना, तो यहीं से मैं, ये सारे हाई क्वालिटी में है, ठीक है, अपनी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ करके यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी में से आपका कोई ना कोई लाजमी एक आध लग जाएगा, और वो लग जाए तो मेरा मतलब कि आपके ये 7-8 मिनट मैंने ज़ाया नहीं किए, अल्लाह के फजल करम से। दुआओं में याद रखना, ठीक है, और कोशिश करना कि जितना हो सके बंदा इन चीज़ को, और फिर भी अगर चाहिए हो तो फिर बता देना, वो ये व्हाट्सएप के ऊपर मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, तो वहाँ से जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। नॉइज़ डिटेक्टर है, ये मायोमा स्क्रू है, ये सक्शन ट्यूब है, ये है जी डिलीवरी फोर्स है, ठीक है। अच्छा इसको ना पकड़ने का भी एक अंदाज़ होता है कि हम पेंसिल की तरह पकड़ते हैं, इसका बड़ा एक है, ठीक है। और लेफ्ट वाला हम रखते हैं, और इसको वजाइना के अंदर डालने का भी एक तरीका होता है, पहले अपना आप हाथ अंदर रखते हैं, उसके बाद फिर उसी हाथ के ऊपर ऊपर ये जो है ना वो फिसलाते हुए नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो बाकी ये नीडल बड़ी इंपॉर्टेंट है एपिजियोस्टमी, बाकी ये हमारे पास है जी स्पंज होल्डिंग फोर्स, दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी, आई थिंक यू अप्रिशिएट।